दोस्तों, दुनिया भर में वंडर वुमन के नाम से मशहूर गैल गैडट को सभी लोग जानते होंगे। गैल गैडट जो हैं, वो एक लोकप्रिय इजरायली अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो कि मुख्य रूप से हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देती हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इजरायल की गैल गैडट मॉडलिंग में आने से पहले आर्मी में थी। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन के बारे में। सबसे पहले जानिए कि उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। गैल गैडट का जन्म 30 अप्रैल 1985 को इजरायल के एक यहूदी परिवार में हुआ। भले ही उनका जन्म टिकवा में हुआ था, लेकिन वो अपने पड़ोसी शहर रोश हेइन में अपनी छोटी बहन डेना के साथ पली बढ़ी। इजरायल की भाषा हिब्रू में इनके नाम का अर्थ होता है लहर। इनकी माता का नाम वेइस है, जो कि एक शिक्षक है, और इनके पिता का नाम है माइकल, जो कि एक इंजीनियर है। गैल गैडट के वंशज पोलिश यहूदी, ऑस्ट्रिया यहूदी, जर्मन यहूदी और चेक यहूदी थे। गैल गैडट ने हाई स्कूल में जीव विज्ञान को अपने प्रमुख विषय के लिए चुना था। उनकी हाइट ज्यादा होने की वजह से हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम में उन्हें बहुत ही आसानी से शामिल कर लिया गया। हाई स्कूल पूरी करने के बाद उन्होंने IDC हर्जलिया कॉलेज में कानून और दो बार राजनीति विज्ञान की शिक्षा आरम्भ की। उनकी पहली नौकरी बर्गर किंग में थी, जहाँ उनकी ड्यूटी वहाँ के बच्चों की देखभाल करना था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 20 साल की उम्र में इजराइल में आर्मी की ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि इस देश में अनिवार्य है कि हर नागरिक को सेना ज्वाइन करनी पड़ती है, और गैल भी एक इजरायली नागरिक हैं। उसके बाद उन्होंने सेना में एक लड़ाकू ट्रेनर के रूप में 2 साल तक काम किया, और इस दौरान वो मॉडलिंग में भी एक्टिव थी। तो दोस्तों, ये जानते हैं कि किस तरह से एक सामान्य लड़की आज इतनी फेमस और सबकी चहेती बन गई। दरअसल गैल गैडट जन्म से ही बहुत ही सुंदर और आकर्षित लड़की थी। उनकी बॉडी और फिगर एकदम परफेक्ट था। उनकी हाइट 5 फीट 10 इंच थी, और उनकी ऊंचाई के कारण ही उनको स्कूल की बास्केटबॉल टीम में दाखिल किया गया। उनका वजन करीब 60 किलो है। उनकी आकर्षक काली आंखें और काले रंग के बाल उनकी सुंदरता में और भी ज्यादा बढ़ोतरी करते हैं। उनकी कमर का साइज 23 इंच है, और उनके इसी आकर्षक फिगर की वजह से बहुत से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। गैल गैडट को हाई स्कूल से ही मॉडलिंग का शौक था। इसी वजह से जब उन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्सेस में अपना काम शुरू किया, तो इसके साथ साथ वो मॉडलिंग भी करती रही। सन 2000 में उन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत की, और मात्र 18 साल की उम्र में, यानी कि सन 2004 में ही वो मिस इजरायल बन चुकी थी, और इसी साल होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने भाग लिया। लेकिन भारत की तनुश्री दत्ता के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा था। मॉडलिंग के बाद उन्होंने फिल्मों में आने के लिए कोशिश शुरू की, लेकिन उनको कोई सफलता हाथ नहीं मिली। इसके बाद उन्हें सन 2009 में फास्ट एंड फ्यूरियस नाम की एक्शन फिल्म में गिसेल के रूप में शामिल किया गया। हालांकि इस फिल्म में उनका रोल एक सहयोगी का था, लेकिन फिर भी फिल्म में काम मिलने की वजह से वो बहुत एक्साइटेड थी। उन्होंने बताया कि निर्देशक जस्टिन लिन ने मुझे इस फिल्म में चुना। इसकी असली वजह ये थी कि मैंने सेना में भी काम किया था, और वो मेरे हथियारों के बारे में जानकारी का लाभ उठाना चाहते थे। इसके बाद उनको एक बार फिर से फास्ट एंड फ्यूरियस 5 और फास्ट एंड फ्यूरियस 6 की सीक्वल में भी मौका दिया गया। इसके बाद उनकी भूमिका थोड़ी बढ़ाई गई, जिसमें उनका चरित्र हंस योल ओह से रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ था। अपनी सारी फिल्मों में गैल ने अपने स्टंट्स खुद किए हैं। इसके बाद दिसंबर 2013 की शुरुआत में गैल ने सुपर हीरो मूवी बैटमैन की। इनको सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में वंडर वुमन के रूप में चुना गया। ये एक सुपर हीरो एक्शन मूवी थी। इस फिल्म में अपने किरदार को अच्छी तरह से निभाने के लिए गैल ने तलवारबाजी, कुंग फू, किक बॉक्सिंग, कैपियोरा की ट्रेनिंग ली थी। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में उन्होंने अपने एक्टिंग से सभी लोगों का दिल जीत लिया था। और अगले साल आने वाली 2 सुपर हीरो फिल्म जस्टिस लीग और वंडर वुमन फिल्म में उनको मुख्य किरदार के रूप में चुना गया। लगातार 2 सुपर हीरो मूवीज की सफलता के कारण दुनिया भर में उनका नाम गूंज उठा, और अब वो हॉलीवुड इंडस्ट्री की एक नई पहचान बन चुकी हैं। सभी लोग उनको अपने फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। अब उनको एक नया नाम मिल चुका है, और सारी दुनिया उनको वंडर वुमन के नाम से जानती है। गैल गैडट ने अपने करियर की शुरुआत में ही शादी कर ली थी। उन्होंने 28 दिसंबर 2008 को इजराइल के यारोन वर्सानो के साथ शादी कर ली। उनके पति एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, और उनका शादीशुदा जीवन भी बहुत अच्छा है। उनकी 2 खूबसूरत बेटियां हैं, जिनका नाम अल्मा और माया है। दोस्तों, भले ही इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सामान्य जॉब से की थी, लेकिन आज अपनी मेहनत और लगन की बदौलत उन्होंने अपने करियर में
अच्छी खासी सफलता हासिल की है और जिससे उनकी नेटवर्थ इनकम करीब 10 मिलियन डॉलर है। तो दोस्तों ये थी वंडर वुमन गैल गैडेट के बारे में ये जानकारी। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोमांचक और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।